नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे किसान सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं PMKY योजना के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। किसान साथियों, आप सभी जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा सोलर पैनल योजना चलाई गई है, जिसको प्रधानमंत्री ने कुसुम योजना के नाम से चालू किया गया है। तो किसान साथियों, आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं कि PMKY जो योजना है उनको चलाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या उद्देश्य है, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के हमारे लिए क्या लाभ हैं, ऐसे ही काफ़ी फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं किसान साथियों। PM कुसुम योजना सन 2023 आवेदन हम कैसे कर सकते हैं, कुछ किसान साथी सोचते हैं हम किस तरह ऑनलाइन कराएं, आप मोबाइल द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपके लिए हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अपने मोबाइल से कैसे हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और किसान साथियों, हम आपके लिए बताएंगे PM किसान योजना सोलर पंप लगाने के लिए कितना खर्चा हमें लगता है। कुछ किसान साथी परेशान रहते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं आएगा, और हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो किसान साथियों, जिस प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो हमें सब्सिडी मिलती है और हमारा जो लागत खर्चा आता है, हम सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपके लिए आज इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए किसान साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना सन 2023 चलाने का उद्देश्य क्या है, हमें इससे क्या फ़ायदे हैं। तो किसान साथियों, हम आपको बता दें, इस योजना से बिजली और डीजल से चलने वाले पंपों और सोलर से योजना चलने वाले पंपों में बदला दिया गया है। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग सबसे पहले सिंचाई के क्षेत्र में होगा, उसके बाद इसे अधिशेष वितरण कंपनी को बेचा जा सकता है और यह 25 वर्षों तक इनकम देगी। और ऊर्जा के उपयोग में बिजली और डीजल की लागत से भी कम होगी और प्रदूषण में भी सुधार होगा। ये 25 साल तक चल सकते हैं। इसका रख रखाव भी आसान होता है। इसे ज़मीन का मालिक हर साल 1 लाख तक का प्रॉफिट बना सकता है। किसान सोलर योजना में सोलर पंप 90% तक सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। किसान साथी, यह 90% जो बता रहे हैं वो नहीं मिल पाती है, हमें 60% तक ही मिल पाती है। तो किसान साथी, प्रधानमंत्री इस योजना का जो कुसुम योजना है इसको चलाने का मेन मकसद यही है कि डीजल और बिजली के बिल जो है हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, और इसी के तहत देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना सन 2023 का शुभारंभ किया है। तो किसान साथियों, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, अगले पॉइंट की बात कर लें तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्या लाभ हैं। तो किसान साथियों, हम आपको बता दें, इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं। रियायती मूल्य पर सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना, 10 लाख ग्रिड से जुड़े किसान पंप को सोलराइजेशन करना, इससे पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली को वे किसी कंपनी को बेच सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी अगला पॉइंट। अब बात कर लेते हैं किसान योजना के आवेदन के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान साथियों, दस्तावेज़ों की बात कर लें हम तो हमें एक आधार कार्ड, जिसके नाम से हमें आवेदन करना है उसका आधार कार्ड चाहिए, अद्यतन फ़ोटो चाहिए, ऑथोराइजेशन चाहिए, पंजीकरण कॉपी चाहिए, पहचान पत्र, एक बैंक खाता पासबुक, भूमि के दस्तावेज एंड राशन कार्ड। तो किसान साथियों, हमें इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो किसान साथियों, अगर हम बात कर लें कुसुम योजना सोलर पंप लगवाने में कितना खर्चा आता है, तो ये हमें वाटर कूलर के मतलब जो हम प्रकार के लगवाते हैं उनके ऊपर हमारी कीमत डिसाइड होती है। तो अगर हम एक HP सोलर पंप लगवाते हैं तो हमें 67,200 का खर्च मिलता है। अगर 2 HP सोलर पंप लगवाते हैं तो 1,16,000, 3 HP सोलर पंप लगवाते हैं तो हमें 1,56,000, 5 HP सोलर पंप लगवाते हैं तो 2,32,000, 7.5 HP सोलर पंप लगाते हैं 3,80,000, और सबसे ज़्यादा 10 HP सोलर पंप लगवाते हैं तो 4,68,000 का हमारा खर्च आता है। किसान साथियों, ये हमारा खर्च है, इसमें जो 60% में सब्सिडी मिलती है वो काट कर हमें दी जाती है। तो यही अगली पॉइंट की बात कर लें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी दी जाती है। तो किसान साथियों, आपको बता दें, मोदी सरकार ने 2019 में कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के दास के सभी किसान उठा सकेंगे, जमीन में सोलर पंप लगवाकर अपनी आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप का नलकूप लगवाने पर द्वारा 7% की सब्सिडी और बैंक द्वारा 30% ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को लागत पर केवल 10% ही भुगतान करना होता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर जो हमें 60% सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है और 30% जो है हमें सरकार की तरफ से लोन भी मिल जाता है, यानी कि 10% हमारे पास पैसा है तो हम सोलर पंप को आसानी से लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30-30% की सब्सिडी प्रदान करेंगे।
तो किसान साथियों 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार, तो इन दोनों मिलाकर में 60% की सब्सिडी मिल जाती है। 30% तक का ऋण की सुविधा में बैंकों द्वारा दी जाएगी, किसानों को लागत केवल 10% का भुगतान ही करना होगा। तो किसान साथियों ये थी आज की योजना के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी योजना की जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसी योजनाओं के बारे में हम आपके लिए जानकारी लाते रहते हैं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसान साथियों आपके इसके द्वारा कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर आपकी वीडियो लाकर दे देंगे।